जीके 24 से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ तो शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर के मौसम में सूरत हाल क्या कुछ है, आज जम्मू में मौसम किस प्रकार से रहने वाला है वो पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, तवी पुल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर मौसम में सूरत हाल की बात करें तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं जहाँ पर इस समय जम्मू में जो है वो पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं। यह तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं जहाँ पर इस समय बादल जो है वो पूरी तरीके से छाए हुए हैं और देखिए हल्की हल्की धुंध भी जो है वो नजर आ रही है। जहाँ पर अगर कश्मीर डिवीजन की बात करें तो कश्मीर डिवीजन में कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है और पर्यटक जो है वो आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जम्मू के तवी पुल की, ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए किस प्रकार से इस समय जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। हालांकि सर्दी की बात करें, ठंड की बात करें तो ठंड में काफी ज्यादा कमी भी देखने को मिली है। जहां पर तापमान मैं आपको बताती चलूं, इससे पहले जो तापमान गिरते हुए नजर आया था वही तापमान अब बढ़ते हुए भी नजर आ रहा है। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू में इस समय जो है वो सर्दी की बात करें तो ठंड जो है वो काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखिए किस प्रकार से इस समय हल्का घना कोहरा और बादल जो है वो छाए हुए हैं। तापमान जहां पर इस समय 15 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है, वहीं पर अगर बीते समय की बात करें तो बीते समय में इस समय तापमान यानी कि 11-12 बजे आप रख लीजिए कि तापमान जो है दिन के समय लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो इस समय तापमान होता था, लेकिन आप देखिए इस समय जो है वो तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है जहाँ पर तापमान में भी बढ़ोतरी जो है वो इस समय देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें जम्मू से देख रहे हैं आप। पर्यटकों की बात करें तो कश्मीर घाटी में कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी पड़ी है और बर्फबारी का आनंद जो है वो पर्यटक लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें भी देखी जहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है जहाँ पर पर्यटक किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का, क्योंकि लगातार पर्यटक इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले की बात करें जहाँ पर सूखी सर्दी ने जम्मू कश्मीर में यानी कि सूखी सर्दी जम्मू कश्मीर में छाई हुई थी, जिसके चलते कई सारे पहाड़ी इलाके ऐसे है जहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही थी। मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही थी, तो अब वो पर्यटक भी कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं और आनंद लेते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तस्वीर में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी, देखिए किस प्रकार से इस समय जम्मू में जो है वो बादल छाए हैं। और ठंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस समय ठंड में भी काफी ज्यादा कमी जो है वो नजर आई है, क्योंकि इससे पहले ठंड में जिस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिलती थी और शीत लहर जो है वो जम्मू कश्मीर में छाई हुई थी और इसी शीत लहर में काफी ज्यादा फर्क जो है वो देखने को मिला है। अगर हम थर्ड और फोर्थ की बात करें तो जहां पर बताया जा रहा है कि यानी कि पॉसिबिलिटी जो है वो हल्की बूंदाबांदी जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर जम्मू कश्मीर के कुछ मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी जो है वो जताई गई है, और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी पर्यटक जो है वो बाहरी राज्य से आना चाहता है, जम्मू में आना चाहता है, कश्मीर घाटी में आना चाहता है, तो वो इस समय आ सकता है, आनंद ले सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो है वो बारिशें भी यानी कि संभावना जो है वो जताई जा रही है। वहीं पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम बात करें 31 जनवरी की यानी कि 30 से 31 जनवरी की बात करें तो जहां पर हल्का बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है और हाई रिजेस पर जो है बर्फबारी की संभावना जो है वो जताई गई है, और इस समय कई सारे पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है और पर्यटक आनंद लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो ट्रैफिक के द्वारा ये भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जहां पर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो तापमान क्या कुछ है यानी कि नेशनल हाईवे की बात करें, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां के सूरत हाल क्या कुछ है पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप जो है वो अपना जो डेस्टिनेशन आपकी है जहां पर आपको जाना है, जहां पर आप प्लान कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है वो प्लान कर सकते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की इस समय सूरत हाल क्या कुछ है, वो जानने के बाद आप जो है वो आगे का रुख जो है सफर जो है वो तय कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस समय सर्दी का माहौल जो है यानी कि सर्दी का जो मौसम है, जो बदलाव है, उसमें काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिल रही है। और इससे पहले भी आपने देखा कि इस प्रकार से जम्मू में जो है वो धूप खिलखिलाती हुई नजर आई, और ये देखिए
घना कोहरा इस समय अभी छाया हुआ है और धूप की बात करें तो इस समय धूप जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और अगले कई दिनों तक किसी प्रकार से मौसम जो है वो छाया रहेगा। तो कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका भी जरूर साझा कीजिएगा और जरूर बताएगा कि आपके इलाके के इस समय सूरत हाल क्या कुछ है और मौसम ने किस प्रकार से जो है वो बदलाव लिया है वो भी जरूर बताइएगा। मोहम्मद रफीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बारिश हो सकती है जी, बिल्कुल देखिए संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ समय तक जो है, अगले कुछ तारीखों तक जो है वो इसी प्रकार से मौसम रहेगा और जम्मू कश्मीर में मौसम जो है वो अब बदलते हुए भी नजर आ रहा है। ठंड में भी काफी ज्यादा कमी जो है वो इस समय देखने को मिल रही है और मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना भी जो है वो जताई जा रही है और पर्यटक जो है वो भरपूर आनंद लेते हुए, बर्फबारी का जो है वो आनंद लेते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन पर अपना इलाका जरूर साझा कीजिएगा, आपके इलाके के सूरत हाल क्या कुछ है वो भी जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए जेके 24 के साथ। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।